हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ लंका मैदान में और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रावण को निकाला जा रहा है और उधर वहाँ पे रावण को शेड किया जाएगा। तो चलिए हम आपको अंदर तक पूरा घुमाते हैं और दिखाते हैं कि रावण को कैसे निकाला जा रहा है। पूरा मैं आपको यहाँ का प्रोसेस गाजीपुर का दिखाता हूँ। तो अभी कल मैंने ब्लॉग में डाला हुआ था कि रावण जो बना हुआ था, मैं कल का आया हुआ था। तो अभी आप फाइनली मैं दिखाता हूँ आपको कि रावण निकलता है और कैसे सेट करते हैं उसको। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रावण को निकाला जा रहा है और अभी देखिए उसका ये पैर रहा और ये उसका शरीर। देखिए पीछे रावण को उसे कैसे सेट किया जा रहा है। वो पीछे बम्बू भैया लोग लगा रहे हैं और वो आ चुका है रावण का शरीर, तो यहाँ पे सेट किया जाएगा। और यहाँ पे शाम को अलाउड नहीं है, ताकि यहाँ मतलब कोरोना की वजह से यहाँ पे शाम को अलाउड नहीं किया गया है गाजीपुर लंका मैदान में। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा रावण को यहाँ पे अभी तो सेट किया जा रहा है, लेकिन बाहरी आदमी को अलाउड नहीं। और शायद मेरा ब्लॉग इस मतलब रावण पे नहीं आ पाएगा शाम वाले में। तो अभी का देख लीजिए कि रावण को कैसे सेट किया जा रहा है। सो गाइस, फाइनली हमारे यहाँ लंका मैदान में एक सब्सक्राइबर मिले हुए हैं, तो मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। भाई आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। अजीत कुमार इनका नाम है। तो इन्होंने अभी मेरे को देखा तो बोला मतलब ये मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो इन्होंने मुझसे पूछा भाई यहाँ पे भी ब्लॉग बना रहे हो आप? तो मैंने कहा हाँ। तो आप मेरे चैनल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपका चैनल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। बस ये ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगा ब्लॉग आपका। चलिए थैंक यू, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए हम अपने सभी 40-30 स्टूडेंट्स तो बोले देते हैं आपका चैनल सब्सक्राइब करें और देरों से देर आप तो सब्सक्राइबर बनाए। ठीक है, थैंक यू, आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहे। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे रावण को यहाँ पे इस बार मास्क भी पहना के दर्शाया गया है कोविड की वजह से। और आप देखिए इस बार का रावण छोटा भी बना हुआ है। कोविड के वजह से इस बार भी राउंड काफ़ी छोटा बना और इस बार फिर से अलाउड नहीं किया गया है आने के लिए अंदर। अभी गाइस, आप देखिए यहाँ पे इसको हाथ को भी सेट किया जा रहा है, हाथ जो त्रिशूल यहाँ पे है तो उसको यहाँ पे सेट किया जा रहा है। और उधर भी उसको चक्र क्या कहते हैं उसको सेट किया गया है।